इधर भोपाल से ही खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक की और बैठक के दौरान प्रदेश के आला अफसर इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। कोरोना की स्थिति पर हर जिले के मुख्यमंत्री ने समीक्षा की और खबर ये भी है कि अब मध्य प्रदेश में हो सकता है सप्ताह में एक दिन की जगह दो दिनों का लॉकडाउन सरकार घोषित करे। मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। लगातार कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं, आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, उसके बाद अलग अलग जिलों से कुछ इस तरह के सुझाव आए हैं और मुख्यमंत्री का यह कहना है कि जिलों से जो सुझाव आए हैं उसके बाद जल्द ही सरकार इस पर एक बड़ा फैसला ले सकती है। सप्ताह में दो दिनों का लॉकडाउन हो सकता है। बैठक में प्रदेश के अलग अलग जिलों के कलेक्टर्स कमिश्नर भी मौजूद थे और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने जो आज समीक्षा बैठक की है उसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों की, शहरों की स्थिति जानने की कोशिश की कि अलग अलग जिलों में क्या तैयारियां प्रशासन ने कर रखी। हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। जुगल, हम देख रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं, समीक्षा बैठक पहले भी करते थे लेकिन एक नए अंदाज में मुख्यमंत्री गंभीरता से नजर आ रहे हैं। समीक्षा बैठक जो मुख्यमंत्री ने की है, क्या है इससे जुड़ी इनपुट्स आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी समीक्षा बैठक कर रहे हैं और ये जो स्वास्थ्य आग्रह जो स्थल है मिंटो हॉल, यहीं पर उन्होंने मध्य प्रदेश के तमाम अफसरों को बुलाया है और यहाँ पे वो समीक्षा कर रहे हैं। हर जिले की बारीकी से समीक्षा होगी, किस जिले में कोरोना की क्या स्थिति है ये समीक्षा की जाएगी, किस जिले में स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत तो नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था का अमला पर्याप्त है कि नहीं है, बेड पर्याप्त है कि नहीं है। क्योंकि देखिए, दो तरीके से लड़ाई लड़ रही है मध्य प्रदेश सरकार। एक तो लोगों को जागरूक कर रही है, जिस तरीके से आपने देखा कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे शहर में निकले और उन्होंने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। आज उन्होंने स्वास्थ्य आग्रह किया है और एक 24 घंटे का उन्होंने स्वास्थ्य आग्रह के नाम से वो मिंटो हॉल पे बैठे हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ ही जागरूकता के साथ साथ स्वास्थ्य संबंध से जुड़ी व्यवस्थाएं जो हैं उस पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोकस है। इसलिए हर जिले की समीक्षा की जा रही है, क्या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई कमी तो नहीं है, अमले की कोई कमी तो नहीं है, सुविधाओं में कोई कमी तो नहीं है, अगर कोरोना पेशेंट आ रहा है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, समुचित इलाज की व्यवस्था है कि नहीं, जिलों में टेस्टिंग की व्यवस्था क्या है, क्या टेस्टिंग की व्यवस्था बढ़ाने की जरूरत है या स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है, तमाम समीक्षा हो रही है। यानी दोनों स्तर पर सरकार लड़ाई लड़ रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा कर रही है, साथ में जागरूकता अभियान भी चला रही है ताकि लोग मास्क पहने और कोरोना के संक्रमण से बच सके। चलिए, आप नजरें बनाए रखिए जुगल, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। समीक्षा बैठक इस वक्त मुख्यमंत्री अभी भी ले रहे हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी जुगल किशोर शर्मा ने बताया। और सरकार वाकई इस वक्त दो अलग अलग मोर्चों पर लड़ रही है। हालांकि सरकार पहले ही ये कह भी चुकी है, सरकार सुनिश्चित कर चुकी है कि बेड की संख्या बढ़ानी है और एहतियात के तौर पर लोगों को जागरूक भी करना है।